हेलो गाइस, वेलकम टू साइबर टेक हब यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग क्वांटम का यूएसबी साउंड कार्ड का रिव्यू करेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का पैकेजिंग में आता है और यहाँ लिखा हुआ है QHMPL, ये क्वांटम शॉर्ट में लिखा हुआ है, और इसका मॉडल नंबर है QHM623। देख सकते हैं यूएसबी साउंड कार्ड है ये। पीछे अगर आप देखें तो इसमें हम लोग हेडसेट, स्पीकर, माइक्रोफोन लगा सकते हैं, मतलब माइक्रोफोन और स्पीकर या हेडसेट एक साथ लगा सकते हैं। और ये यूएसबी प्लग एंड प्ले है, ये आपका फ़ोन में भी काम करता है यूएसबी OTG के थ्रू। और अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये इसका MRP आप देख सकते हैं 399 लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे 139 का मिला था और उसमें एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस भी थे जो अलग से मैंने पे किया था, वो 139 में जुड़ा हुआ नहीं है। सो गाइस, अब इसे जल्दी से ओपन करके देखते हैं। ये ऐसे सिंपली ओपन हो जाता है, हटा देते हैं। बहुत सिंपल पैकेजिंग है। तो ये है वो साउंड कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हेडफोन लगाने की जगह है और एक माइक लगाने की जगह है। यहाँ पर आप माइक लगा सकते हैं, यहाँ पर हेडफोन लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसे लगा के देख लेते हैं एक बार। पहले मैं अपने फ़ोन में लगा लेता हूँ, देखते हैं फ़ोन में चलता है कि नहीं ठीक से। तो फ़ोन में लगाने के लिए पहले आपको एक OTG केबल लाना होगा। तो गाइस देखिए, मैंने OTG केबल ले लिया है, अब इसे फ़ोन में लगाते हैं और अब साउंड कार्ड लगाते हैं इसमें। देख सकते हैं लाइट जल गया है, काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वो अभी आ गया होगा। देख सकते हैं प्लेइंग साउंड ओवर USB, थोड़ा लाइट कम करता हूँ। अब सही है, अब दिख रहा होगा प्लेइंग साउंड ओवर USB। देख सकते हैं ये OTG से लगा हुआ है। अब इसे स्पीकर से कनेक्ट करते हैं, पहले स्पीकर को ऑन कर लेते हैं। इसी स्पीकर के साथ ये AUX का केबल भी मिला था, तो वही लगा लेते हैं इसमें। इस स्पीकर का रिव्यू भी मैंने किया है, देख सकते हैं लाइन इन मोड में चल गया। सो आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। अब इसे हेडफोन जैक के पोर्ट में लगा लेते हैं, देख सकते हैं लग गया है। सो अब यूट्यूब में NCS प्ले करके देखते हैं। यूट्यूब में आ गए NCS, मैंने कोई भी रैंडम सॉन्ग प्ले किया है, देख सकते हैं ये OTG से लगा हुआ है और ये स्पीकर में लगा हुआ है। अगर इसे मैं पॉज करूं तो गाना रुक जाएगा। सो गाइस, इसमें आप माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं गेम खेलने के लिए टाइम, या फिर कॉलिंग के टाइम, या फिर आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं उस समय आप माइक यूज़ कर सकते हैं इसमें लगा के। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, मेरा फ़ोन में USB ऑडियो मतलब USB से माइक्रोफोन सपोर्ट नहीं करता है। ये पोको M2 है, MIUI है इसमें, तो मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कॉलिंग के टाइम ये बहुत अच्छा वर्क करता है, मतलब मैं इसे कनेक्ट करके जब किसी से बात करता हूँ कॉल पे तो बहुत ज़्यादा क्लियर वॉइस आता है, और अगर मैं जूम में मीटिंग भी करता हूँ तो भी बहुत ज़्यादा क्लियर वॉइस आता है उसमें। लेकिन गाइस अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं अगर वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब का, तो वो इस पर नहीं आता है USB के माइक्रोफोन से।
सो ये प्रॉब्लम है शायद MIUI का, क्योंकि मेरे पास दो तीन फ़ोन और है तो उसमें ये सपोर्ट कर जाता है। सो गाइज अब इसे PC में लगा के देखते हैं कि ये PC में काम कर रहा है कि नहीं। इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसे रख देते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने PC ऑन कर दिया है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो गाइस इस PC में मेरा जो ऑडियो जैक है वो ख़राब हो गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नो स्पीकर और हेडफोन कनेक्टेड। लेकिन अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, देख सकते हैं ऑडियो जैक में ये कनेक्टेड है, लेकिन अगर अभी आप फ़ोन में देखेंगे, सॉरी मॉनिटर में देखेंगे तो ये अभी भी नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। अगर मैं पॉइंटर लेके जाऊँ तो ये दिखा रहा है नो स्पीकर और हेडफोन्स आर प्लग्ड इन। सो मेरा ऑडियो जैक ख़राब हो गया था, और ऑडियो जैक अगर आप रिपेयर करवाते हैं तो आपके मदरबोर्ड में दूसरा प्रॉब्लम्स भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये साउंड कार्ड मंगाया था। तो अब इसे PC में लगा के देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले स्पीकर में ये AUX का केबल लगा देते हैं। ये लाइन इन बोर्ड में चला गया, अभी ऐसा साउंड कर रहा है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। सो गाइस अब यहाँ पर इसे USB वाले में लगा लेते हैं, देख सकते हैं मैंने USB पे लगा दिया, और अभी से यहाँ कहीं पर लगा लेते हैं। कैमरा थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। और अभी अगर मॉनिटर के स्क्रीन पे जाए, देखिए स्पीकर्स USB 50%, सामने से दिखा देता हूँ मैं। स्पीकर्स USB 50%। सो गाइस काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, और थोड़ा सा अनोइंग साउंड इससे आता है जो कि एक अच्छा केबल लगाने के बाद नहीं आता है। अगर आप एक अच्छा गुड क्वालिटी का केबल खरीदे ब्रेडेड वाला मार्केट से तो ये नॉइज भी हट जाता है। अगर मैं PC में NCS प्ले करूं एक अच्छा क्वालिटी का केबल भी लगा के दिखा देता हूँ, जिससे अनोइंग साउंड हट जाता है। इस केबल को हटा देते हैं, इसे यहाँ रख लेते हैं।
देख सकते हैं स्पीकर में मैंने ये केबल लगाया है। देख सकते हैं ये काम कर रहा है और यही साउंड कार्ड में लगाते हैं। तो अगर मैं माइक भी इसके सामने ले जाऊँ तो ये बहुत कम अनोइंग नॉइस क्रिएट कर रहा है। मैं आपको गाना प्ले करके भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रहा एक्स्ट्रा। सो गाइज आपको ये साउंड कार्ड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये साउंड कार्ड मैं कभी कभी गेम्स खेलने टाइम भी यूज़ कर लेता हूँ या फिर कॉलिंग के टाइम भी, ताकि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले उसमें। क्योंकि गेम्स खेलने टाइम अगर जैसे आपको अपने टीममेट से बात करना है तो कभी कभी कोई के ईयरफोन्स में माइक से डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आता है, बट इसे यूज़ करने के बाद मैं अपने बोया का माइक कनेक्ट कर लेता हूँ इससे और बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं आता है। सो गाइस अगर मैं बिल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 139 लिखा हुआ है। सो गाइस इतना था इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।